başlarım. Bana bir çoğu yap. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा सफ़र है काबा ताज से टूवर्ड्स सुल्तान अहमद, और हम लोग जा रहे हैं काबा ताज से। और जो पिछली वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा इस्तकलाल स्ट्रीट या टाक्सिम स्क्वायर, या फिर उसको तुर्की में कहते हैं तकसीम स्क्वायर, अगर कोई बंदा वहाँ से आ रहा है तो उसको जो मेट्रो लेकर आएगी वो लेकर आएगी इधर काबा ताज स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में। तो आज हम काबा ताज मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं टूवर्ड्स सुल्तान अहमद टॉम्ब। और जो है अगर आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको हम आखिर में अपनी लिंक दे देंगे जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप लोग इस्तकलाल स्ट्रीट से आ रहे हैं या टाक्सिम स्क्वायर से आ रहे हैं या फिर टर्की में कहते हैं तकसीम स्क्वायर से आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट मेट्रो लेकर आएगी ये काबा ताज के स्टेशन पर, ये मेट्रो स्टेशन है। और हम यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स सुल्तान अहमद टॉम्ब। आज का हमारा वीलॉग है सुल्तान अहमद टॉम्ब का, और अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे सुल्तान अहमद टॉम्ब के बारे में और जो भी उनकी वहाँ पे मेन अट्रैक्शन है हम उसके बारे में आपको बताएंगे, इस्तांबुल की जो मेन अट्रैक्शन है। अच्छा व्यूवर्स, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन होगा ये हमारा होगा सुल्तान अहमद मेट्रो स्टेशन। इस जगह को सुल्तान अहमद कहते हैं और इसका स्टेशन का नाम भी सुल्तान अहमद है। अच्छा, ये इनकी एक हिस्टोरिक बहुत जगह है, यहाँ पे बहुत सारी इनकी चीज़ें हिस्टोरिक हैं, वो अब मैं आपको अभी आगे चल के सब बताता हूँ। और इसको आप ओल्ड सिटी एरिया भी कह सकते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वो आपकी जो सल्तनत उस्मानिया की रिच हिस्ट्री है सारी,
पूरी ही रिच हिस्ट्री है देखा जाए, लेकिन यहाँ पे जरा मेन अट्रैक्शंस हैं आपकी ऑटोमन एम्पायर जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से। तो यहाँ पे अभी हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे और उन सब चीज़ों की हमने खैर अलग व्लॉग बनाई है। आज तो सिर्फ हम आपको सुल्तान अहमद टॉम की व्लॉग बता रहे हैं कि कबाताज से टूवर्ड्स आपने सुल्तान अहमद के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक आना है और फिर वहाँ से आपने सुल्तान अहमद कैसे जाना है, आज तो हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और ये आप देखें हमारी जो है मेट्रो रुक चुकी है स्टेशन पे और अब ये हम उतर रहे हैं मेट्रो से अपनी। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांडेड शॉप्स नहीं है, यहाँ पे अपनी टर्की के ब्रांड्स की शॉप है, स्वीट्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं जो टर्की में तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाई जाती हैं, और यहाँ पे इस तरीके की सारी शॉप्स हैं और ये सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और मौसम तो एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त होता है पूरे इस्तांबुल का। और ये देखें अभी हम आपको छोटा मोटा सा दिखाते हैं हल्का सा, स्वीट्स वगैरह इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, हमने खाई थी बड़ा मज़ा आया, हमने उसकी भी एक पूरी बनाई हुई है वीलॉग वगैरह के क्या है मशहूर क्या मशहूर नहीं है। तो ये तो बस हम आपको एक हल्का सा जो है दिखा रहे हैं छोटा सा। और उसके अलावा यहाँ पे शॉप्स होती हैं जो आपको टूर्स वगैरह बेचती हैं, जिसमें आपका हॉप एंड ऑफ टूर है, बस टूर है, फेरी टूर्स हैं और जो भी मशहूर मशहूर जगह है मेन अट्रैक्शन है वो। तो कोशिश ये करेंगे इनसे सिर्फ ब्रोशर ले लें और ख़ुद से इंटरनेट पर रिसर्च करें और आप लोग यूज़ करें सिर्फ मेट्रो, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ये लोग बहुत महंगा आपको देंगे टूर्स वगैरह, और 70-80% माइनस आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी सारी जब आप खुद से सब चीज़ें करेंगे। और अब ये हम जो है जा रहे हैं आपका क्या कहते हैं सुल्तान अहमद टॉम की तरफ, यहाँ से ये रास्ता हमारा जाता है, ये बिल्कुल हमने रोड क्रॉस करी है सामने से और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम लोग ये सुल्तान अहमद टॉम की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, तो जब तक हम चलते हैं और आप लोग वीडियो देखें तो मैं आपको लगे हाथ ये भी बताता जाऊँ कि जब हम लोग खुद से टूर करते हैं ना गूगल पे सर्च करके और ये जो टूर्स वाली शॉप्स होती हैं टूर्स बेच रही होती हैं और हम इनसे जब अपने ब्रोशर्स वगैरह ले लेते हैं तो हमें उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम खुद से करते हैं ना तो हमें हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा और जो इसका सारा इतराफ़ का एरिया है आपका सुल्तान अहमद टॉम के इतराफ़ का एरिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये है कि एक तो छोटे मोटे यहाँ पे स्टॉल्स बहुत लगे हुए हैं, सही है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें खाने की बहुत हैं खाने पीने की। अच्छा उसके अलावा ये कि जो इसके आगे पीछे सारी मार्केट हैं वो बिल्कुल जो है ना जैसे कि वो हमारे यहाँ पे कराची में ओल्ड सिटी एरिया सदर टाइप नहीं है ये सारा हमारा एरिया, ये समझे इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की केयर टेक बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा उसके अलावा ये कि देखें ये सुल्तान अहमद टॉम की तरफ अभी जैसे हम आपको आगे सब बताएंगे इसका, उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे ब्लू मॉस भी करीब में बिल्कुल इनके साथ ही है, वो हम आपको बाद में उसका भी बताते हैं वीलॉग। अच्छा हाया सोफिया भी बिल्कुल इन्हीं के साथ है, सब आगे पीछे ये सारा एरिया है, तोप का भी पैलेस का भी है सब आगे पीछे एरिया है, और सुल्तान अहमद मॉस्क का भी, ये हम टॉम है ये सिर्फ मज़ार जिसको हम कहते हैं सिर्फ अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं, सही है ना। उसके बाद सुल्तान अहमद जो मॉस्क है हम उसका आपको अलग से पूरा जो है ना वीलॉग बना के हम आपको उसका बताएंगे। अच्छा अब जैसे कि ये अभी हम जो है ये आगे हमारा बिल्कुल आप देख रहे होंगे सामने हमारा आगे सुल्तान अहमद टॉम, और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताता जाऊँ, सुल्तान अहमद जो हैं ये जिनका टॉम है ये बेसिकली जो पैदा हुए थे ये हुए थे 1590 में, और जो इनका इंतकाल हुआ है वो हुआ है 1670 में, और जो इनकी बादशाहत थी या जो ये सुल्तान बने थे ये वो बने थे 1603 1603 में, और जो इनका एरा ख़त्म हुआ था वो हुआ था 1617 में। अच्छा और ये मशहूर इसलिए इतने ज़्यादा हैं क्योंकि इन्होंने ही ब्लू मॉस्क बनाई थी और इन्होंने ही सुल्तान अहमद मॉस्क बनाई थी, और जब अभी हम अंदर जाएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम ये चप्पलें उतार रहे हैं। अच्छा जो बंदा यहाँ पे जिसके जैसे लेडीज़ हैं और जिनके कपड़े छोटे हैं शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए तो यहाँ पे वो आपको देते हैं पूरा एक अबाया टाइप, वो आप पहन लें तो वो पहन के आप अंदर जा सकते हैं, वरना आपको पूरा कवर होकर आना होता है क्योंकि ऐसे जाने नहीं देते ये लोग अंदर ना, ये इनका रूल है यहाँ का। अच्छा जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ये देखें यहाँ पे कपड़े सीधे हाथ पे रखे हुए हैं तो ये इसी तरीके से होते हैं, तो ये इस तरीके से जो है ना आपको पहन के अंदर जाना होता है। अच्छा अब जैसे कि आप हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी कब्रें बनी हुई हैं इनकी, तो इन कब्रों के ऊपर जहाँ जहाँ ये वाइट टर्बन है ना तो ये सारी मेल्स की हैं और जो विदाउट टर्बन है वो सारी फीमेल्स की हैं। अच्छा इसमें बच्चे बच्चियाँ भी हैं छोटे इन्हीं के ख़ानदान के, और इन्हीं के ख़ानदान के इनके भाई बहन भी हैं और इनके वालिद वालदा भी हैं इधर,
और ये इनका पूरा टॉम है, और बहुत ज़बरदस्त टॉम है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। ज़रूर आप लोग इधर आएँ, इसको विज़िट करें। और साथ ही साथ ये है कि बाकी अब आप लोग टॉम को एंजॉय करें, मैंने आपको छोटा मोटा इसका जो टॉम का इंट्रोडक्शन कराना था वो करा दिया। बाकी आप ये पूरी वीडियो का आगे आप इंजॉय करें और देखें आप, और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है।